गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द ऑप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। ओवरऑल तो वैसे काफ़ी डल मार्केट था, कुछ भी खास ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया। ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो आज की दिन की जो ओवरऑल रेंज रही वो हमने लो बनाया 17,431 का, और आज का जो हाई था वो 17,665 का था। तकरीबन 230 पॉइंट की रेंज रही और हाई से लेके पूरी लो तक। तो आज हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे पैटर्न बना है। तो सबसे पहले डेली चार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो गिरावट थी जो गुरुवार से कंटिन्यू हुई थी, गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन काफ़ी भारी गिरावट रही थी मार्केट में। मैंने बताया था किस तरीके से डाइवर्जेंस बना हुआ है निफ्टी में, जहाँ पे प्राइस जो है वो उसने नया हाई लगाया है, और जो RSI है वो RSI नया हाई लगाने में यहाँ पे विफल हुआ है। तो जब भी मोमेंटम इंडिकेटर गाइस इस तरीके का डाइवर्जेंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फॉल देखने को मिलता है। तो इसकी बात हुई थी, आज भी थोड़ा सा मार्केट पहले नीचे गया ऊपर आया, और आज की जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल को हम पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं। कई लोग इसको पियर्सिंग कैंडल भी बोलते हैं, कई लोग इसको कोई दूसरे एक और कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है वो तरीके से पुकारते हैं। तो तरीके बहुत हैं अलग अलग, बट साइकोलॉजी समझो फ्रेंड्स कि कल का हमने लो तोड़ा, कल का लो जैसी टूटा होगा मींस फ्राइडे का लो, वहाँ पे जो बियर्स लोग हैं उन लोगों के यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे होंगे, सेल ऑर्डर ट्रिगर हुए, थोड़ा सा नीचे गया और सडनली मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया। अब मार्केट ऊपर क्यों आया? मार्केट ऊपर आने के कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था जो कि था हमारा पुट कॉल रेशियो। तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो था वो काफ़ी नीचे जा चुका था, तकरीबन 0.76 पे जा चुका था पुट कॉल रेशियो। जब भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इतना लो आ जाता है तो वहाँ पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पुट कॉल रेशियो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि मार्केट किन लेवल्स पे ओवरसोल्ड है और हमें वहाँ पे अब आगे बिकवाली नहीं करनी है। तो पुट कॉल रेशियो पहला इंडिकेटर था जहाँ से क्लियर कट समझ में आया कि मार्केट यहाँ से अब फर्दर नीचे नहीं जाएगा। दूसरा ये जो सपोर्ट था, मैंने यहाँ पे जो लाइन भी खींची हुई है तकरीबन 17,435 के आसपास एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर आया और सडनली 200 पॉइंट का हमें इंट्राडे यहाँ पे गेन देखने को मिला। अब रेजिस्टेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो आने वाले दिनों में मतलब कल के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आज का हाई। तो आज का हाई है तकरीबन 17,665। तो अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो फ्राइडे का हाई रहेगा फ्रेंड्स हमारे पास। वो फ्राइडे का जो हाई निकल के आ रहा है वो रहेगा आपका 17,820। तो ये दो रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, नीचे में जो सपोर्ट है वो आज का लो 17,436 और देन सीधे 17,354 ये आज का लो निकल के आएगा। इंट्राडे चार्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया मार्केट पहले नीचे आया, एकदम से खुलते से ही मार्केट में सडन फॉल आया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी इंट्राडे में, और उसके बाद हम ऊपर गए और फिर दिन भर हमने साइडवेज मोमेंटम दिखाया है। अभी डिपेंड करता है डाउ के मूवमेंट के ऊपर कि डाउ का मूवमेंट आज के दिन क्या रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे परफॉर्म करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे क्लियर कट ये जो कल का सपोर्ट था, तो कल का मतलब मींस फ्राइडे का जो लो था वो था 40,502, आज था 40,517। तो बैंक निफ्टी ने कल का लो नहीं तोड़ा है यहाँ पर, और कल के लो के पहले ही हम लोग ऊपर आ गए हैं। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है जो कि रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका 41,209 पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा आइडेंटिकल कैंडल बन रही है बिल्कुल, और आज की कैंडल है जो ऑलमोस्ट ये इस कैंडल के अंदर है विद द एक्सेप्शन की हल्का सा यहाँ पे हाई टूटा है। इंट्राडे चार्ट की बात करें तो इंट्राडे में भी सेम कहानी थी, हमने निफ्टी की तरह फ्राइडे का लो नहीं टूटा, इसमें ऊपर हम ओपन हुए, अनलाइक निफ्टी जहाँ पे हम नीचे ओपन हुए, थोड़ा सा ऊपर गए फिर पूरा साइडवेज करेक्शन नीचे हुआ, एक चैनल में हम लोगों ने ट्रेड किया और देन थोड़ी सी रिकवरी लेके एक जाते जाते शार्प कैंडल हमें नीचे देखने को जाते मिली है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट था तो इस तरीके से रहा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़े से निफ्टी इंडाइसेस की बात करते हैं कि ओवरऑल निफ्टी इंडाइसेस में क्या रहा। तो निफ्टी इंडाइसेस में आज का जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो निफ्टी PSU बैंक था। तो PSU बैंक में आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे PSU स्टॉक्स हैं बैंकिंग क्षेत्र के,
जैसे SBI हो गया, हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे PSU क्षेत्र के बैंक हैं जो कि मेन जो वायदा कारोबार के भी स्टॉक्स हैं। तो PSU क्षेत्र में तकरीबन 2% का उछाल रहा, निफ्टी मीडिया में 1.26% का, FMCG में 1.07, ऑटो में एस्कॉर्ट्स आज तकरीबन अपर सर्किट था 10% का, तो एस्कॉर्ट्स काफ़ी अच्छा था। आइशर मोटर ने अच्छा परफॉर्म किया, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ठीक ठाक था, निफ्टी 50 आधा प्रतिशत की तेजी के साथ ऊपर बंद हुई। IT में आज बहुत दिनों बाद एक थोड़ा सा हरे निशान के साथ बंदी हुई है, बैंक ठीक था, पर फार्मा तो मिला जुला ही प्रदर्शन है। मिड कैप 150 इंडेक्स अच्छा था। इंटरेस्टिंगली स्मॉल कैप अब जो 250 है, मतलब छोटे मझोले जो शेयर्स हैं उसका जो 250 इंडेक्स है उसमें अब थोड़ा सा हमें फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा परफॉर्म करना बंद कर रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स थे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडिविजुअल जैसे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है, तो जैसे टायर एक क्षेत्र था, तो टायर में आज भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें GRP तकरीबन 3%, TVS श्री चक्रम 3%, गुडियर 2.60%, CEAT सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, अपोलो टायर। तो ये था डिफेंस की। अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर में एक न्यूज़ भी थी तो डिफेंस से रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा IPO भी देख लगते हैं कि IPO क्षेत्र में क्या रहा। तो IPO में कल्याण ज्वेलर्स, मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्टॉक काफ़ी दिन से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर पारस डिफेंस, ये भी डिफेंस क्षेत्र का स्टॉक है, इसकी चर्चा हम डिफेंस क्षेत्र में करेंगे। तो ये कुछ स्टॉक थे। मिसेस वेक्टर फूड 2% के साथ ऊपर था, होम फर्स्ट फाइनेंस, CSB बैंक भी छोटे मझोले क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ में ओवरऑल क्या था। तो न्यूज़ में सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो डेल्टा कॉप की निकल के आ रही है। तो डेल्टा कॉप ने जो फ्राइडे के दिन एक रूमर उड़ा था कि इनको एक कैसीनो का लाइसेंस मिल गया है दमन के लिए, तो डेल्टा कॉप ने एक खबर को खारिज किया है कि इन्हें ऐसा कोई लाइसेंस नहीं मिला है। इस खबर के चलते स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आप यहाँ पे और पढ़ सकते हो। डेल्टा कॉप के बाद यहाँ पे जो डिश टीवी है, डिश टीवी का जो स्टॉक है वो तकरीबन 10% जंप किया, जहाँ पे चेयरमैन जवाहर गोयल ने रिज़ाइन किया है। तो इसमें डिश टीवी का जो स्टॉक है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रेंड्स आने वाले कुछ दिनों के लिए। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो हम थोड़ा सा चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि डिश टीवी आने वाले दिनों में हमें क्या मूव दिखा सकता है। तो ये डेली चार्ट है, स्टॉक वैसे भी काफ़ी दिन से बजेंगे, तकरीबन 12 रुपये से 19 रुपये हुआ है। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, और अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, स्टॉक 2020 से ये जो रेंज बनी हुई है ऊपर में 23 रुपये की, ये जो रेंज है मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक जो रेंज निकल के आ रही है तकरीबन 23 रुपीज़ की रेंज है, और नीचे में ये जो रेंज निकल के आ रही है ये रेंज है 8 रुपये की। तो स्टॉक इस रेंज के बीच में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के हिसाब से भी यहां पे बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम बार खिंचे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि स्टॉक में कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अगर स्टॉक 23 रुपये का लेवल निकालता है, ध्यान पूर्वक सुनिए, स्टॉक अगर 23 रुपये का लेवल निकालता है तो हमें आने वाले दिनों में स्टॉक में 42 रुपये तक के लेवल आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कुछ मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मंथली चार्ट पे कुछ अहम मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज है, तो स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 20 के बाद जो इमीडिएट जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकल के आता है वो 55 का निकल के आता है, तो 55 तो अभी थोड़ा दूर है, ठीक है। 8 मूविंग एवरेज जो 8 के ऊपर भी है ट्रेड कर रहा है, 233 वगैरह अभी तो ऊपर होंगे इसके, तो 233 तो अभी अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना डेटा नहीं है। 144 भी थोड़ा सा ऊपर है। तो दो जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 8 और 20, इसको स्टॉक ने क्लियरली यहाँ पे निकाल दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक जो 55 मूविंग एवरेज है जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है तकरीबन 24 रुपीज़ की, तो यहाँ तक स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो 24 अगर लेवल निकालता है तो यहाँ पे हम 42 तक के लेवल आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो ये था हमारा डिश टीवी का स्टॉक। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि आयोनॉक्स विंड ने जो पब्लिक इशू इनका जो आ रहा है, यहाँ पे आप खबर पढ़ सकते हो, आयोनॉक्स विंड गेन्स एमिट बस ओवर मेडन पब्लिक इशू ऑफ इट सब्सिडरी। तो इसकी जो सब्सिडरी है इसका IPO कुछ दिनों में आने वाला है। तो आयोनॉक्स विंड के जो शेयर में आज हमें अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला, तो इससे रिलेटेड मैं एक शेयर लेके आया हूँ आपके लिए जो आने वाले आप कुछ दिनों में रडार में रख सकते हो।
तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो ये शेयर का नाम है आयोनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। तो इस शेयर में भी क्या हुआ है फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आयोनॉक्स विंड में क्या हो रहा है कि जब से हमने फॉल देख रहा है 2015 से इसमें फॉल आया, और फॉल के बाद कंटिन्यू स्टॉक जो एक रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। स्टॉक की रेंज थी 151, नीचे में स्टॉक 21 रुपये की रेंज। बहुत दिनों के बाद ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसा लग रहा है कि अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और रिवर्सल पैटर्न ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक का ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो रहा है। तो आप ये स्टॉक को भी रडार में रख सकते हो। दूसरा जो एक और स्टॉक है वो काफ़ी चर्चा में थे, जो डिफेंस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स बूम आफ्टर आर्मी रिलीजेस आर्म्स टेंडर। तो एक साल के लिए इंडियन आर्मी ने कुछ टेंडर रिलीज़ किया है, जिसमें गन्स, ड्रोन्स और व्हीकल्स के लिए यहाँ पे टेंडर यहाँ पे रिलीज़ किया है। तो आप यहाँ से रिलेटेड खबर पढ़ सकते हो कि भारत डायनामिक्स 3%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, MTAR टेक, पारस डिफेंस, सोलार इंडस्ट्री, मिश्र धातु निगम। तो ये सारे स्टॉक आज काफ़ी बजिंग थे। तो हमारी जो डिफेंस की थीम है, मैं काफ़ी दिनों से आपको बताते आ रहा हूँ कि डिफेंस की थीम पे हमें नज़र रखना है। तो ये रही पूरी ओवरऑल डिफेंस की थीम। तो इसमें आज हमें काफ़ी गेन देखने को मिला। आप देख सकते हो तकरीबन 4 से 6% अधिकतर स्टॉक ऊपर थे, और सिर्फ चार स्टॉक को छोड़ दें, MTAR, एस्ट्रा माइक्रो, भारत और हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है उनको छोड़ के बाकी सभी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये था फ्रेंड्स आज का ओवरऑल एनालिसिस। हम जो कुछ आपको स्टॉक्स बताते हैं वो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मकसद ये कि आप सीखें, चार्ट पैटर्न अच्छे से सीखें, उनको लर्न करें और उस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने आपको 11 लाख रुपीज़ का फंड दिया हुआ है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इजीली ये सारी स्ट्रैटेजीज़ और ये सारी चीज़ें टेस्ट करके देख सकते हो। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से ऑप्शन बॉक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, थैंक यू।